चाहता हूं यहां कल्याण दास बाबा जी के जो वंशज हैं, जो सेवक हैं, ये जो बलदाऊ जी के लोग हैं, इनके घरों से बच्चे जब निकलें, इनकी माताओं को जब कोई देखे तो उनको बीच सड़क पर भी प्रणाम करे कि ये हैं बलदाऊ जी के सेवक, हमारे बलराम बलभद्र जी के सेवक हैं, जिन्होंने भारत में कृषि आंदोलन 5,500 वर्ष पहले किया था, हलधर हल टांग कर। ये आज कोई नारा दे देता है हरित क्रांति हरित क्रांति, और अपना नाम टंगवा देता है हरित क्रांति हम करा रहे हैं, ये भगवान के भी विरोधी लगते हैं। हलधर हैं बलराम, मूसल बलराम ने रखा है, बलराम ने कृषि की पद्धति को विकसित किया, पहली बार नहर के भावना को विकसित बलराम जी ने किया। इनको इनको ज्ञान है अनपढ़ों को, ये अनपढ़ लोग जानते हैं इस विषय में, इन्होंने पढ़ा है कुछ? इनको ग्लैमर दे के रखा है आपने, क्यों क्यों नहीं किसी ऐसे महापुरुष को ग्लैमर देते हो जो वास्तव में भारतीय सनातन संस्कृति को जानते हो और भारतीय सनातन संस्कृति के प्रति प्रेम रखते हो, उनको क्यों नहीं देते, उनको क्यों नहीं ऊपर उठाते? वो आज हमारे बलदाऊ जी वाले सब कह रहे हैं, बैठे हैं, कह रहे हैं आज बाबा ना ही छोड़े, वो लग रहे हो खेच दे वो पूरा। आज महाराज आज की कथा इतनी प्यारी है, एक मर्यादा उल्लंघन के कारण परीक्षित जैसे रामराज्य लाने वाले राजा की ऐसी हालत हो सकती है कि 7 दिन में मरना तय हो सकता है, जबकि अंतिम रामराज्य उन्हीं की थी, परीक्षित जी की। निःशुल्क एवं उत्तम शिक्षा, एक बार सब बोलो, रामराज्य की पहचान शास्त्रों में यही बताई गई है, पहला निःशुल्क एवं उत्तम शिक्षा, निःशुल्क एवं उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क एवं अविलंब न्याय, ये 3 चीजें जहां पर होगी और धर्म का शासन होगा, वो राम राज्य सबसे ऊंचा बनेगा, वो स्विट्जरलैंड में भी आ सकता है, भारत बैठ के देखता रह जाएगा अगर ये 3 चीजें नहीं होंगी तो। तुम्हारे बेटे पढ़ेंगे डीएवी में, तुम्हारे बेटे पढ़ेंगे डीपीएस में, तुम क्यों नहीं ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना देते कि हलधर का बेटा भी और राष्ट्रपति का बेटा भी एक ही स्टैंडर्ड का विद्या पाएगा, जिसमें बुद्धि और विवेक ज्यादा होगा वो आगे बढ़ेगा, ऐसी शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं देते, ऐसी चिकित्सा व्यवस्था क्यों नहीं देते? और राम मंदिर भारत में है कि नहीं, इसको साबित करने में 492 साल लगेंगे। मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ कि नहीं, इसको साबित करने में 500 साल लगेंगे। अविलंब न्याय चाहिए कृष्ण, अरे ये सारी दुनिया जानती है कि राम अयोध्या, कृष्ण मथुरा और भोलेनाथ काशी, वहां कैसा विवाद है, वहां क्यों नहीं मिलता न्याय? अविलंब न्याय, राम राज चाहिए साहब, राम राज चाहिए, राम राज चाहिए।